आने वाले अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन इस्लाम की तरफ से शबे बरात जो आ रहा है उसके लिए कब्रिस्तान का साफ सफाई का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है, और आप भी सब जन जो बेलगाम के अतराफ के जो भी आते हैं मरहूम की ज़ियारत करने के लिए कब्रिस्तान के लिए, मेरे को ख़ास करके उनके लिए एक दरख्वास्त है कि कब्र साफ करें, दूसरों के कब्र के ऊपर कचरा मत डालें, रोड पे कचरा मत डालें, साफ सफाई का ख्याल रखें, और बार बार आते रहे कब्रिस्तान की ज़ियारत करते रहे और अपने मरहूम की ज़ियारत करके साफ़ सफाई करो तो अच्छा रहेगा, कब्रिस्तान साफ सफाई रहेगा। और एक गुजारिश है कि बेलगाम के अतराफ़ में जब भी जो भी कब्रिस्तान है जहाँ आसपास कब्रिस्तान बहुत है जो छोटे छोटे हयातों में, वो साफ सफाई का ख्याल रखे और अपने अपने कब्रिस्तान के बाउंड्री से दफनाए ताकि हमारे बाउंड्री जगह बच सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज इत्तेहाद न्यूज़ वालों ने शहर बेलगाम का, अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम का वो कब्रिस्तान का मुआयना किया। अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के मातहत शहर के वसीतर इलाके में 20 एकड़ कब्रिस्तान की जगह है, जहाँ तक कब्रिस्तान की ज़्यादातर ज़िम्मेदारी हमारे बाबूलाल मुजावर साहब की देख रेख में यहाँ पर काम हो रहा है। आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के कब्रिस्तान देखें और बेलगाम का कब्रिस्तान देखें तो माशाल्लाह ज़ियारीन की भी यहाँ पर काफ़ी, जुमे के दिन ऐसा लगता है कि शबे बारात है, तो अपने मरहूमीन की ज़ियारत के लिए यहाँ आते हैं। और साफ़ सफाई का माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है, शबे बारात भी आ रही है, इस मौके पर जो है यहाँ की बेहतरीन साफ़ सफाई का इंतज़ाम किया गया है। दूसरी गुजारिश ये है कि डिस्ट्रिक्ट बेलगाम वालों से कि अपने इलाके में जो भी कब्रिस्तान की जगह नहीं है या कब्रिस्तान कम पड़ रहा है, तो एक हुकूमत की जानिब से एक अलॉटमेंट हुआ है कि जिसके जिस जगह पर कब्रिस्तान नहीं है जल्द से जल्द जो है एक तहसीलदार ऑफिस में और एक डीसी ऑफिस में और एक वक्फ ऑफिस में जो है अपनी अर्जी जल्द से जल्द लाकर जमा कर दें। अस्सलाम वालेकुम। और मैं कब्रिस्तान से गोरखान बोल रहा हूँ, और कब्रिस्तान में रात को 2 बजे नया था आते हैं, मैं इतना रहता हूँ, मैं इतना कर लेता हूँ, और बरसात में क्या तकलीफ नहीं होता, होता घर गए तो मैं कर लेता हूँ,
और मैं मैसेज पास है वो, मैं एक छोटा रूम है वो मैं रहता हूँ, रात को और दिन को भी मैच कर लेता हूँ। हो चाहे गवर्नमेंट के ऑफिशियल हो, चाहे आप जो देख रहे हैं आज की हालात टोटली ऑपोजिट थे। सुबह के 6 बजे से रात के 11 बजे तक तो पूरे शहर में घूमते थे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कभी बड़ा कभी छोटा कुछ नहीं देखा। किसी बजाय किसी एक ऑफिसर की या किसी कॉन्ट्रैक्टर की बजाय हुई थी कि हमको कुछ बोले, क्योंकि और ये एक छोटा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है ना। सबियुल्ला उठी जो फार्माकोलॉजी के अंदर PhD कंप्लीट करे हो, कौन से झुंझुना यूनिवर्सिटी राजस्थान में जो झुंझुना है वहाँ के यूनिवर्सिटी से उन्होंने कंप्लीट करे, और इसके लिए हमारे सबके तरफ से, हमारे मुस्लिम लीग के तरफ से, सबके तरफ से एकदम हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आई एम आल्सो इंकरेजमेंट एंड गिविंग मी सोल एडवाइस, especially Aga sahab has given me sole advice in this and the contribution from my family, from my friends and all of you. तो मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ कि इस अचीवमेंट में आप लोगों ने मेरा साथ दिया, और इंशाल्लाह इसी के ज़रिए से हम अपने कौम के लिए भी बहुत कुछ करेंगे, इसीलिए हमारी कोशिश है। तो आप लोगों का साथ और कौम इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू टू एवरीबडी। नाजरीन सैयद जो केमिकल इंजीनियरिंग से VTU से फर्स्ट रैंक उन्होंने लिया हुआ है, और मुस्कान अनगोलकर हैं जो बेलगाम से ही बिलोंग करते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से सेकेंड रैंक लिया है मुस्कान ने, और रूहीन बेलगाम की जो एक सरजमीन है बैलोंगन वहाँ से बिलोंग करती हैं, VTU में 6th रैंक रूहीन ने हासिल किया है, जो नॉर्थ कर्नाटका से एक लौती स्टूडेंट है VTU में जिसने MBA में ये मुकाम हासिल किया है। मैं इन सभी लोगों का अपने दिल की गहराइयों से इस पर्टिकुलर जो एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम था, बहुत मुख्तसर से वक्त में हम लोगों ने इनको इंटीमेशन दिया, जहाँ पे आज हमारी कम्युनिटी को जितना दबाया जा रहा है और इतने दबाने की कोशिशें जितनी भी हो रही हैं, उसके बावजूद भी हमारी कम्युनिटी जो इतना उभर करके आ रही है, हर महाज पे हमारी बच्चियाँ हो या जितने भी जो एंटरप्रेनर्स हैं यहाँ पे, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, और मीडिया के भी जो हजरात हैं, जमील भाई यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, इत्तेहाद न्यूज़ है, शरीफ भाई खुद एक सहाफ़ी हैं, शायर हैं, तो हर महाज पे हमारी कारगर्दगी जो झलक रही है इसको यहाँ से और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब इतना कुछ हम लोग यहाँ पे लुटा चुके हैं, खो चुके हैं इस मुल्क में, अब यहाँ इसके बाद हम लोगों को खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, और जो कुछ बचा है वो सिर्फ पाना है यहाँ से, हर हर महाज पे हर बुलंदी को हासिल करना है।
तो जब ये बताने वाला नहीं होता या फिर बताने वाले बहुत होते हैं, हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते और अपनी मंजिल की तरफ नजर रखकर आगे बढ़ती हैं, तो ऐसे बच्चियां जन्म लेती हैं। ये दरअसल समझने वाली और एक मैसेज लेने वाली बात है कि हम नेगेटिव चीजों की तरफ तवज्जो कम करें। सोशल मीडिया का जमाना है, हर अगला मैसेज हमारे पास नेगेटिव ही आता है, तो इन मैसेजेस को नजरअंदाज करके अपने गोल पर एक विजन बनाकर जब हम चलने लगते हैं तो इस तरह के कारनामे हमारी कौम की बच्चियां अंजाम देंगी। और आज ही एक और एक खुशी की बात ये भी कि गोपटे कॉलेज में शायद एमए में टॉपर एक लड़की जो बागलकोट की है, जिसका ताल्लुक बागलकोट से, उसने भी नुमाया कारकर्दगी अंजाम दी है, जिसकी होर्डिंग हमने देखी आज शहर में। तो कहीं ना कहीं इस वक्त कुदरत की मेहरबानी हमारी बच्चियों पर हो रही है और माशाल्लाह अपने बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से ये बच्चियां वायरल हो रही हैं और उनको काफी लोग सराह रहे हैं। इनके साथ इनकी परवरिश में जो लोग रहे हैं, इन खास करके इनके वालिदैन, इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त, उनको भी सराहना चाहिए। जिन लोगों के सपोर्ट से, जिन लोगों के एफर्ट से, जिन लोगों के मोटिवेशन से ये लोग यहाँ तक पहुंचे। तीन चार ऐसी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं जो इन मुकामात पे पहुंचाती हैं और आगे भी आप लोगों का ख्याल रखना है कि ये क्वालिटीज अगर अपने आप में इम्बाइब कर लेंगे तो आगे तक भी पहुंचने का अल्लाह ताला इसको जरिया अता फरमाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक्स है रेजिलियंस, और अल्लाह ने हमारे को इसमें कूट कूट के भरा है रेजिलियंस। जितना हमें दबाया जाएगा हम उतनी ही जोर से वापस आएंगे। कुछ भी हो, चाहे हिजाब का मामला हो, कोई हो, गोल्ड मेडल लेना, पढ़ाई में आगे बढ़ना, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो है करेज। आज इसकी बहुत जरूरत है हमें, मगर आज तक जब तक हम लोग करेज नहीं दिखाएंगे सामने बढ़ने की, बात करने की, हर ग्लास सीलिंग को तोड़ने की, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो करेज दिखाने की बहुत जरूरत है, जैसे बच्ची ने दिखाया, मुस्कान ने जब अल्लाह अकबर कहा तब करेज दिखाया। तीसरा जो क्वालिटी है वो सेल्फ अवेयरनेस और ग्रोथ माइंडसेट। सेल्फ अवेयरनेस में हमें ये जानने की जरूरत है इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली, इंटरनली हम कहाँ हैं। आज मेरी तकलीफ का अनुमान है वालिदैन से हुस्न सुलूक। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि अपने वालिदैन के लिए अपने बाजुओं को समेट लो, यानी दुनिया में तुम जो भी हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, डॉक्टर या इंजीनियर हो, लेकिन जब अपने माँ बाप की खिदमत में जाओ तो एक बेटा बनकर जाओ। कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह ने अपनी तौहीद और इबादत का हुक्म दिया, वहीं इस हुक्म के फौरन बाद दरमियान में किसी और बात का जिक्र किए बगैर वालिदैन के हुकूक को बयान किया है। सुभान अल्लाह। मैं समझती हूँ कि कुरान पाक के इस हवाले के बाद माँ और बाप की अजमत को उजागर करने के लिए किसी और हवाले की जरूरत है। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अपने माँ बाप की कदर करें, उनसे उसमें सुलूक करें और जन्नत के अंदर बने। अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे इतनी जिसने पहले मुझे मुसलमान बनाया, जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा, जिसने मुझे इतनी तालीम दी, जिसने मुझे इतना नवाजा कि मैं लोगों के सामने आ सकूँ, अपने बारे में बोल सकूँ। और सबका शुक्रिया, मेरे माँ बाप का शुक्रिया, जो मेरे रिलेटिव्स हैं उन सबका शुक्रिया, क्योंकि इनके वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी करते गए, मेरा बीकॉम सीए सीपीटी इंटरमीडिएट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में मैं जब टाइम मिला तो आईएएस केएस की कोचिंग ली, तो मौका मिला कि एमबीए में जाऊँ, एमबीए इन एचआर एंड फाइनेंस की अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में मैंने रैंक हासिल किया। ये सब तो दुनिया में चीज़ें हैं, हो जाती हैं, काम हार्डवर्क से होती हैं ये।
द मेन थिंग इज दैट कि हम अपने माँ बाप को वालिदैन को जो है प्राउड फील करते हैं। तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उसने हमें इस रैंक से नवाजा है, हमें इतना ऑनर मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि हमें दोनों दीनी और दुनियावी तालीम में कामयाबी हासिल मिले और मैं अपने पेरेंट्स का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ बिकॉज मैं स्कूल में और पीयूसी में दोनों में फर्स्ट रैंक आई हूँ लेकिन बीटीयू में सेकंड रैंक आके जितना खुश मेरे पेरेंट्स हुए वो शायद मेरे फर्स्ट रैंक पे आने उतना खुश नहीं हुए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सेकंड रैंक आके भी मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है पेरेंट्स से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की वजह से हम इस अल्लाह ने हमें इस मुकाम पर पहुँचाया। उसके बाद हमारे वालिदैन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं और हमारे रिलेटिव्स का भी। लास्ट में मेरी मेहनत आती है इन सब की बदौलत, इनकी दुआओं उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही अल्लाह ने हम सबको मतलब मेरे को कामयाबी दी। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि हम अपने मतलब प्रायोरिटाइज करें स्टडीज़ को भी और नमाज़ को भी, कभी मतलब स्टडीज़ की वजह से नमाज को नेगलेक्ट ना करें, प्रायोरिटाइज करें नमाज पहले, बाद में हमारी एजुकेशन सब बाद में रहें। और अल्लाह इसके जरिए हमको दीन फैलाने का जरिया बनाए। यही है कि अभी जैसे शरीफ भाई ने बताया कि जो अपने वर्नैक्युलर मीडियम में जो स्टूडेंट्स सीखते हैं उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, कन्नड़ मीडियम वगैरह में, वो भी कई सारे अच्छी जगह पे आज जाके पहुंच गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक कन्नड़ स्कूल का ही स्टूडेंट हूँ। जब तक मेरे स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल थी, बेंच नहीं थे, ज़मीन पर बैठ के हमने आठवीं तक सीखा है, तो ये सब हमने फेस करके अभी यहाँ तक आके पहुँचे। सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एंड इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू अचीव एनीथिंग। तो सब लोग सब कुछ अचीव कर सकते हैं, बस उसके लिए मेहनत करनी है और अल्लाह पे भरोसा रखना है और दुआ करनी है।